हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ठंडी ठंडी जिंजर एल। गर्मियों के मौसम में अगर आप इसे पियेंगे बहुत ही ठंडक देने वाली और बहुत ही फायदे वाली होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ड्रिंक है ये। और अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। अगर नहीं आप लेना चाहते तो आप इसे इसी तरीके से भी बनाएं तो बहुत ही बढ़िया बनती है, लेकिन नमक डालने से इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग हो जाता है। ये दोनों तरीके से पी जा सकती है, नमक के साथ भी और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने वीडियो में बनाया है, यानी कि मीठी, उस तरीके से भी अगर आप पियेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिंजर एल। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है अदरक। अदरक को हम अच्छे से छील लेंगे, अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसे छील लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हमने सारा अदरक छील लिया है और इसके हम अब लंबे लंबे बारीक बारीक टुकड़े काटेंगे। आप किसी भी साइज में काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम बारीक बारीक इसके टुकड़े काट लेंगे। करीबन एक कप के करीब हमें यहाँ पे स्लाइसेस चाहिए। उसके हिसाब से आप जितना भी बनाना चाहते हो उतनी क्वांटिटी आप रख लीजिए। तो इस तरीके से हमने लंबा लंबा काट लिया है। एक कप के करीब मैंने इसके स्लाइसेस किए हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक पतीला रखा है, इसमें हम पानी डालेंगे। तो तीन कप के करीबन हम पानी डालेंगे, यानी कि एक कप अगर अदरक है तो तीन गुना पानी हम इसमें डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक जिसे हमने बारीक काटा हुआ है। तो एक कप के करीबन अदरक है और इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। करीबन 10 या 15 मिनट तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि इसका अदरक का जो सारा रस है वो पानी में निकल आए। तो चलिए इसे बॉईल होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि करीबन 15 या 20 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पकाया है और इसका जूस काफ़ी पानी में आ चुका है। और अब हम गैस को बंद करके इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, उस पर छलनी लगा के इसे हम छान लेंगे। और छालने के बाद इसे हम उसी पतीले में शिफ्ट कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो पतीले को हम पहले गैस पे रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे चीनी। एक कप के करीबन चीनी हम डालेंगे। एक कप अदरक है तो एक कप ही चीनी हम इसमें यूज करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है काफी गाढ़ा होता जा रहा है। थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद हम इसे गैस से उतार के ठंडा होने के लिए रखेंगे, लेकिन अभी इसे कुछ देर और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मिक्सचर जो है काफी
आगे से थिक हो गया है और इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जिंजर एल बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होती है। मैंने इसे ठंडा होने के बाद कांच के जार में डाल दिया है। आप चाहें तो कांच की बॉटल में भी डाल सकते हो, जब भी दिल करे आप फ्रिज में से निकालिए और इसे बनाकर रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का गिलास लिया है और इसे हम जिंजर का जो सिरप हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। करीबन 2 या 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हो या फिर स्वाद के अनुसार भी इसमें मिक्सचर को ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाले हैं, यानी कि ये बड़ा टेबलस्पून है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसमें हम डाल देंगे आइस, और इसमें हम डाल देंगे लेमन, तो 1 नींबू का रस इसमें हम डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे लेमन के पीसेस। और साथ में हम डाल देंगे क्रश किया हुआ पुदीना का पत्ता। तो हल्का सा इसे हम हाथ से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे सोडा। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सोडे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और चम्मच से इसे हिला दीजिए तो जिंजर एल बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ड्रिंक बनी है, और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ठंडक देने वाले होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार टेस्टी ड्रिंक बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, जिंजर एल बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार ठंडी ठंडी ड्रिंक बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और पीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।